हेलो एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बाय और होल्ड, जहां हम आपको बताते हैं कि अपकमिंग गाड़ी के लिए वेट करना चाहिए भी या नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीप मेरिडियन के बारे में। पहले इस एसयूवी को अच्छे से जानेंगे, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके राइवल्स पर एक नजर डालेंगे। चलिए, लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। आप देख रहे हैं का देखो, माई नेम अरुण, लेट्स गेट स्टार्टेड। जीप मेरिडियन को ग्लोबल मार्केट्स में कमांडर के नाम से बुलाया जाता है। ये एक 7-सीटर एसयूवी है जो कंपस के प्लेटफॉर्म पर बनी है। अब एक्सटीरियर से तो इतना ऑब्वियस नहीं है, लेकिन अगर आप इस एसयूवी के इंटीरियर्स को देखें तो इसका कंपस कनेक्शन काफ़ी ऑब्वियस है। अब फॉर्च्यूनर, ग्लॉस्टर, एंडेवर, ये सभी एसयूवीज बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवीज है, लेकिन मेरिडियन एक मोनोकॉक एसयूवी है, जैसे स्कोडा कोडियाक और फोक्सवैगन टिगवान ऑल स्पेस। भारतीय बाजार के लिए जीप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ एक 2 लीटर डीजल इंजन ऑफर कर रही है। ये एक मैनुअल, ऑटोमेटिक, फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ अवेलेबल होगी। चलिए अब देखते हैं कि जीप मेरिडियन के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। मेरिडियन की खासियत है इन कैबिन एक्सपीरियंस। अब हमने ये कंपस फेसलिफ्ट के साथ एक्सपीरियंस किया था, और इस 7-सीटर के केस में भी ये एक हाईलाइट ज़रूर है। सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल किया है डैशबोर्ड पर, डोर पैड्स पर। डैशबोर्ड का लेआउट भी काफ़ी क्लीन है, मिनिमल है, क्लासी है। बेहतरीन क्वालिटी की ब्लैक टैन लेदर अपहोल्स्ट्री आपको मिल जाती है, तो इस कैबिन के अंदर एक प्रॉपर लग्जरी कार वाली फीलिंग आपको आएगी। तो अगर आपको आपके अगले एसयूवी से वो प्रीमियम फीलिंग चाहिए, तब आप जीप मेरिडियन के लिए वेट कर सकते हैं। जीप ने फीचर्स के मामले में भी कोई कंजूसी नहीं करी है। मेरिडियन के टॉप मॉडल में आपको पैनोरामिक सनरूफ, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फुल्ली डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले, एल्पाइन म्यूजिक सिस्टम, पावर्ड फ्रंट सीट्स, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर्ड टेलगेट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपकी अगली एसयूवी का लग्जरियस के साथ साथ लेटेस्ट फीचर्स के साथ इक्विप्ड होना भी जरूरी है, तब भी आप मेरिडियन के लिए वेट कर सकते हैं। मेरिडियन के साथ जीप एक प्रॉपर मिनी ग्रैंड चेरोकी लुक ऑफर कर रही है। यहाँ पर साइज की कोई कमी नहीं है, स्टाइल की कोई कमी नहीं है, और स्वैग की कमी तो बिल्कुल नहीं है। फुल एलईडी हेडलैम्प्स, 18 इंच के अलॉय व्हील्स, क्लासी एलईडी टेल लैम्प्स मिलकर इसे एक कमाल का रोड प्रेजेंस देते हैं। तो अगर आपको यही टिपिकली बॉक्सी जीप स्टाइलिंग चाहिए, जीप वाला स्वैग चाहिए, तब भी आप मेरिडियन के लिए वेट कर सकते हैं। मेरिडियन के साथ जीप एक 2 लीटर का डीजल इंजन ऑफर कर रही है। ये इंजन मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। इतना ही नहीं, ऑटोमेटिक में भी 2-व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप लंबे रोड ट्रिप्स पर जाना पसंद करते हैं, आप एक फ्यूल एफिशिएंट और टॉर्की डीजल इंजन पसंद करते हैं, तब मेरिडियन एक अच्छा चॉइस बन जाती है। इतना ही नहीं, जीप की ऑफ रोड कैपेबिलिटी हम सभी जानते हैं। मेरिडियन में भी स्नो, सैंड, मड मोड्स मिल जाते हैं, तो अगर आप एडवेंचर्स के लिए जाना चाहते हैं, तब भी मेरिडियन आपका बखूबी साथ निभाएगी। और एक पॉजिटिव पॉइंट इन द मेरिडियन एक्सपीरियंस इज द राइड क्वालिटी। खराब रास्तों पर आपको बेहतरीन बम्प अब्सॉर्प्शन तो मिलती है, इसकी हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी शानदार है। चलिए अब देखते हैं कि आपके ऑल्टरनेटिव्स क्या है और उन्हें कंसिडर करने के मेन रीजंस क्या है। जीप की मेरिडियन एक ऐसे स्पेस में फिट होती है जहां पर आपके पास ऑलरेडी 3 अलग अलग किस्म के ऑप्शन है: 5-सीटर SUVs, 7-सीटर SUVs और 7-सीटर बॉडी ऑन फ्रेम SUVs। लेट्स गो थ्रू ऑल ऑफ देम वन बाय वन। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 7-सीटर की नहीं है, पर आप एक अच्छा डिजाइन, अच्छी बिल्ड क्वालिटी, लग्जूरियस इंटीरियर और एक एंगेजिंग ड्राइव एक्सपीरियंस चाहते हैं, तब आप फोक्सवैगन टिगवान, सिट्रोएन C5 एयरक्रॉस या जीप कंपस में से किसी एक को चुन सकते हैं। तीनों एसयूवीज के डिटेल्ड रिव्यूज आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आई एम लीविंग द लिंक फॉर यू इन द डिस्क्रिप्शन। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट मेरिडियन की तरह ही एक 7-सीटर मोनोकॉक एसयूवी की है, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव सिर्फ एक ही है, विच इज़ द स्कोडा कोडियाक। मेरिडियन की तरह ही कोडियाक में भी आपको क्लासी स्टाइलिंग, लग्जूरियस इंटीरियर, ढेर सारे फीचर्स और ऑल व्हील ड्राइव मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये है कि कोडियाक सिर्फ और सिर्फ एक पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। तो अगर आपकी रनिंग काफ़ी हाई है, इस बात का ध्यान रखिए।
टोयोटा फॉर्च्यूनर इस सेगमेंट की डिफॉल्ट चॉइस रही है। लुक्स, ऑफ रोड केपेबिलिटी, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, अच्छी रीसेल वैल्यू, ये सभी फैक्टर्स मिलकर टोयोटा फॉर्च्यूनर को एक दमदार चॉइस बना देते हैं। ये एक ओल्ड स्कूल बॉडी ऑन फ्रेम एसयूवी है जो खराब रस्तों के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए बनाई गई है। अगर आपकी यूजेज ऐसी है, आप फॉर्च्यूनर को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये फिलहाल जिस प्राइस पॉइंट पर अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट पर आप बेहतर कैबिन क्वालिटी, बेहतर फील और थोड़े और फीचर्स शायद एक्सपेक्ट करें। फाइनल ऑप्शन है MG ग्लॉस्टर का और ये आपको एडवांटेज देती है साइज का। अगर आप एक ऐसी SUV चाहते हैं जो लग्जूरियस तो हो पर साइज पर, स्पेस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, तब आपके लिए MG ग्लॉस्टर एक अच्छा ऑप्शन बन जाएगी। इसका कैबिन लग्जूरियस है, आपको ढेर सारा स्पेस मिल जाता है इन द सेकेंड एंड द थर्ड रो और ADAS जैसी टेक्नोलॉजी भी आपको इस सेगमेंट में फिलहाल सिर्फ MG ग्लॉस्टर में ही मिलेगी। सो दीज आर द रीजंस दैट यू कैन कंसिडर द MG ग्लॉस्टर एज एन ऑल्टरनेटिव टू द जीप मेरिडियन। विद दैट आउट ऑफ द वे, चलिए देखते हैं कि मेरिडियन के फेवर में क्या नहीं है। सबसे पहली बात, अगर आप इंडियन मॉडल को ग्लोबल वेरिएंट से कंपेयर करें तब आप ये नोटिस करेंगे कि जीप ने यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी की है। मेन मिस अकॉर्डिंग टू अस इज ADAS। इस प्राइस रेंज में जीप को ये फीचर्स ऑफर करने चाहिए थे। पॉइंट नंबर टू, थर्ड रो स्पेस। यहाँ पर इतना स्पेस तो है कि बच्चे यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ पाएंगे लेकिन एडल्ट्स क्रैम्प्ड महसूस करेंगे। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पर आपको सातों ऑक्यूपेंट्स के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए, तब मेरिडियन से बेहतर ऑप्शंस आपके पास इसी सेगमेंट में जरूर है। That's it for this video. अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। कोई questions हो, queries हो, doubts हो, please leave them in the comment section. I'll reply to you personally. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next one. Bye.